नेक्स्ट वन अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले इसको सिंपलीफाइड वे में कन्वर्ट करने किया जाए। फर्स्ट वन सिंपली फॉर लूप के अंदर प्रोवाइड किया इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशंस में डायरेक्टली अप्लाई किया है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशंस। अगर लॉजिकली बात करें, लॉजिकली इस स्टेटमेंट का इक्वलेंट किस क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम और सेम लूप कैन बी रिटन एज आई इक्वल्स टू जीरो, देन सिंपली आई लेस देन थ्री, देन इनसाइड बॉडी बॉडी पार्ट में डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आई। इससे जस्ट पहले राइट डाउन कर सकते हो लाइक आई प्लस प्लस प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ आई। इस लॉजिकली इन दोनों के मीनिंग्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। मीन्स पहले आई का वैल्यू कंपेयर होगा, इसके बाद इंक्रीमेंट परफॉर्म, बिकॉज इस केस में अप्लाई क्या किया, जस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन। सॉल्व करें इस एप्लीकेशन को। इस फाइनल इस केस में लूप कितनी बार इटरेट हो रहा है। वन मोर थिंग्स, मीन्स इस केस में प्रिंट एफ फंक्शन बॉडी सेक्शन में प्रोवाइड करके प्रोवाइड किया है इनसाइड हेडर ऑफ द लूप इन प्लेस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन, प्लस लूप का बॉडी एम्प्टी, इसलिए इसको मार्क कर सकते हो जरा सिंपली लाइक दैट वन, दिस इज द एम्प्टी लूप। फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर आई, जैसे मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले परफॉर्म किया मेमोरी डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल आई विद इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज, एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। जस्ट इसके जस्ट बाद थर्ड केस में परफॉर्म किया हो रहा है इनिशियलाइजेशन, आई का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा एज ए जीरो, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन के केस में फाउंड किया हो रहा है पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट के केस में पहले आई का करंट वैल्यू रिप्लेस करें, करंट वैल्यू क्या है जीरो, देयरफॉर वी आर रिप्लेसिंग जीरो, इमीडिएटली वी आर अप्लाइंग पोस्ट ऑपरेशन, इसलिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन। मीन्स रिप्लेस जीरो कराएंगे लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद आई का करंट वैल्यू क्या हो चुका है वन। नेक्स्ट वन कंपेरिजन लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा इक्वेलेंट टू वन। देन नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंट्रोल कांस्टेंट का मीन्स थर्ड, दिस वन इज सिक्वेंस फोर, देन कंट्रोल सेंड करें इन साइड बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी के केस में फोर्थ देन फिफ्थ सीक्वेंस, बॉडी पार्ट कैसा इसका एम्प्टी, देन लीव इट, अगेन कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल कांस्टेंट इन प्लेस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन प्रिंट एफ, करंटली इसका सीक्वेंस क्या है फिफ्थ, देन सीक्वेंस इज सिक्स डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू वन फाउंड हो रहा है इसलिए प्रिंट एफ से क्या प्रिंट हो जाएगा सिंपली वैल्यू एस वन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जस्ट बाद कर्सर कांस्टेंट हुआ ऑन द कंडीशन टेस्टिंग, अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे मीन्स फिफ्थ देन सिक्स, सिक्स देन सेवन, सेवन केस में आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे वन, वन लेस देन सॉरी वन देन इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाए टू लेस देन थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू मीन्स वन, कंडीशन ट्रू है फिर से कंट्रोल सेंड करेंगे इन साइड बॉडी सेशंस, सिक्वेंस क्या था इसका जस्ट सेवन, सेवन के बाद बॉडी सेशन क्या रहेगा एट, कंडीशन टेस्टिंग सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाइन्थ, अगेन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू टू इसलिए प्रिंट क्या हुआ एज ए टू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के बाद कंट्रोल सेंड करें इन साइड कंडीशन टेस्टिंग अगेन नाइन देन टेन। नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस पोस्ट, पोस्ट है तो आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे टू, देन इंक्रीमेंट होगा पोस्ट देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू है देन इस केस में परफॉर्म क्या करें बॉडी, मीन्स सिक्वेंस क्या था जस्ट इसका रिसेंटली टेन एलेवन देन ट्वेल्व, प्रिंट एफ से आई का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे आई का वैल्यू थ्री, डिस्प्ले क्या हुआ थ्री, देन कंडीशन टेस्टिंग एज थर्टीन, कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा थ्री, देन पोस्ट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, थ्री लेस देन थ्री कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो, कंडीशन फॉल्स देन कर्सर कहेंगे आउटसाइड लूप, रिसेंटली सीक्वेंस क्या थर्टीन, देन लास्ट स्टेटमेंट क्या फोर्टीन, आउटपुट क्या इसका वन टू थ्री। मीन्स फाइनली इस केस में फोर लूप है एन अदर फ्लेवर, मीन्स जरूरी नहीं कि इस प्लेस पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना ही कंपल्सरी, मीन्स किसी भी टाइप का एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट अप्लाई करना पॉसिबल है।